जांजगीर जिले के ग्राम मलदा में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने रितु कश्यप के घर में धावा बोलकर हजारों की चोरी कर ली। इस मामले में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई है, मगर हाथ कोई सुराग नहीं लगा। जांजगीर जिले के ग्राम मलदा में चोरों की सक्रियता काफी बढ़ गई है। गांव में लगातार चोरियां हो रही हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पिछले दिनों गांव में अज्ञात आरोपियों ने करीब 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं एक बार फिर से चोरों ने रितु कश्यप के घर को निशाना बना लिया, करीब 5,000 रुपयों की चोरी कर ली। लगातार हो रही चोरियों से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। घटना के बाद मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, बावजूद इसके चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। का रास्ता का ताला टूटा हुआ था और दरवाजा बंद दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने पीछे साइड से जा करके ना उन्होंने ना देखा कि पीछे का दरवाजा ना बंद है, तो फिर वो लोग ना जाके खोले हैं। उसके बाद में क्या क्या सामान, और चूंकि मेरा घर है नहीं, मेरे दीदी को का घर है, तो और क्या जरूरी सामान वहाँ से गायब है वो उसके बारे में नहीं बता सकता। ग्राम के यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुस कर चोरी की सूचना प्राप्त हुआ, जिसमें मौके में आके तस्दीक किया है और डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाता है। लगभग 5,000 नकदी रकम का चोरी हुआ। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द उनकी पकड़ में होंगे। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।